जहां भी जाओ देश छोड़ो की बात करता है, देश को जोड़ने की बात नहीं करता। हम देश जोड़ने की बात करते हैं, समाज जोड़ने की बात करते हैं, सबको इकट्ठा लाना चाहते हैं और इस देश के संविधान को बचाना चाहते हैं और जमहूरियत लोकतंत्र के तहत ये देश चलेगा, इसमें हमारा विश्वास है, वो काम हम करेंगे। महाकाल मंदिर पे लगा अब जो है पॉलिटिक्स हो रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी 13 तारीख को इनॉग्रेट करेंगे, कांग्रेस कह रही है कि हमारा प्रोजेक्ट है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई, मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा इसकी चुनाव ये नहीं है, मैं लड़ रहा हूँ पार्टी का चुनाव, अंदरूनी चुनाव, इसीलिए मैं पार्टी में पार्टी के लोगों से डेलीगेट से बात करने के लिए आया हूँ, वो जो बाकी के विषय है और समय में मैं बात। ठाकरे जी, होम मिनिस्टर यहाँ पे आए थे कुछ दिन पहले, उन्होंने बोला कि 70 साल में कांग्रेस और बाकी पार्टी ने कश्मीर में कोई डेवलपमेंट नहीं किया। अरे नु, जब देश को आज़ादी मिली और दिलाए, क्या मोदी और शाह ने दिलाए? अभी ये लोग पैदा नहीं हुए थे तब आज़ादी मिली, उसके लिए कांग्रेस पार्टी के नेता महात्मा गांधी जी लड़कर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 9 साल जेल में रहकर देश को एक रखने के लिए इंदिरा गांधी जी कुर्बान दी, राजीव गांधी जी कुर्बान दी, तुम्हारी क्या कुर्बानी है भाई देश बनाने का? अगर 70 साल में कुछ नहीं होता, क्या इतने एम्स बनते थे, इतने डॉक्टर्स मिलते थे, इतने इंजीनियर्स बनते थे, इतने पब्लिक सेक्टर्स बनते थे? छोड़ो उनकी बात, वो तो कुछ नहीं करते, सिर्फ स्लोगन देना, लोगों को डिवाइड करना उनका मकसद है, वो काम करते जा रहे हैं लेकिन उसकी हम मुकाबला करते रहेंगे। थैंक यू।